नमस्कार, मैं अरुण कुमार शाह, डिजिटल न्यूज 20 से चीफ रिपोर्टर। मुजफ्फरपुर के अहियापुर बखरी स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल है, कोई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कौन सा प्रतियोगिता है जिसमें कि बच्चे रंग बिरंगी काफी उत्साह से यहां चौतरफा तस्वीर बनाए हैं? मैं स्वामी लीलामयानंद रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम बेला, ये गत 20 वर्ष से हम लोग राष्ट्रीय युवा दिन के उपलक्ष्य में स्पर्धा आयोजित करते हैं। हर स्कूल में जाकर ये विविध इवेंट्स में कंपटीशन कंडक्ट किया जाता है, और अभी हम दो फेज में कंपटीशन कंडक्ट करते हैं। फर्स्ट फेज स्कूल में होता है, उसको इंट्रा स्कूल लेवल कंपटीशन प्रतियोगिता बोला जाता है, और जो फाइनल राउंड होता है 12 दिसंबर से, वो आश्रम कैंपस बेला में होता है। वो फाइनल राउंड स्कूल, हर एक स्कूल जो पार्टिसिपेंट है वो स्कूल वहाँ फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करता है। तो इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों का जो बौद्धिक विकास है उसके साथ साथ आध्यात्मिक विकास, नैतिक मूल्यों का बीजारोपण हो, इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का उनमें बीजारोपण हो, स्वामी विवेकानंद के बारे में वे जाने, स्वामी विवेकानंद के विचारों से परिचित हो, अवगत हो, यह उद्देश्य, यह नैतिक मूल्यों पर आधारित प्रतियोगिता करने का मुख्य उद्देश्य। सिद्धि शंकर मिश्रा, हमारे सहयोगी श्री वी के सिंह जी, एन के सिंह जी, श्री प्रेम प्रकाश जी। तो ये प्रतियोगिता जो होती है हर वर्ष युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को, और उस अवसर पर रामकृष्ण मिशन की जो मुजफ्फरपुर शाखा है उसके द्वारा विभिन्न विद्यालयों के स्तर पर इंटर स्कूल लेवल पर प्रतियोगिताएं कराई जाती है। जी जी, 20 वर्षों से ये प्रतियोगिता चल रही, लेकिन धीरे धीरे लोगों की आस्था इसमें बढ़ने लगी, बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, तो इन लोगों ने एक साथ इतने सारे बच्चों को वहाँ बुला पाना संभव नहीं हो पाता था। तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि विद्यालय स्तर पर पहले प्रतियोगिताएं शुरू की, उसके बाद फिर जो है जो चयनित बच्चे हैं, जो चुने जाते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उनको यहाँ भी पुरस्कृत करते हैं, उसके बाद उसमें जो सबसे अच्छे होते हैं उनको बुलाकर, और लगभग 50-60 विद्यालय मुजफ्फरपुर के, ये सब के सब इंटर स्कूल, तो मुजफ्फरपुर के सभी विद्यालयों में लोग जाकर संपर्क करते हैं। लगभग 6 महीने पूरा अपना ये लोग इसमें देते हैं, एक छोटी सी राशि है, बदले में इनको पुस्तक देते हैं स्वामी जी की, बिस्कुट देते हैं, अल्पाहार देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों का उत्साह बना रहे, युवाओं के अंदर जो प्रतिभा है, स्वामी विवेकानंद का ही कहना था कि आपके भीतर जो प्रतिभा है वो कैसे मुखरित हो, इसके लिए आपको अवसर चाहिए, और अवसर इस प्रकार का चाहिए। दूसरी बात ये कि जो आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको आप स्वयं विकसित करेंगे, और इसी कारण इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। हमारे विद्यालय ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इस बार, और अभी स्वामी जी ने बताया है कि 700 से ज़्यादा, लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूँ प्रसन्नता के साथ कि 800 से ज़्यादा, लगभग 750 बच्चे हमारे इसमें प्रतिभागी हुए हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ होती हैं, जैसे रेसिटेशन है हिंदी में, अंग्रेजी में, लेख लेखन है अंग्रेजी में, हिंदी में, भाषण है अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में, उसके बाद संगीत की प्रतियोगिता है, उसके बाद कला के क्षेत्र में स्कल्पचर, हाँ, रंगोली की प्रतियोगिता है, चित्रांकन की प्रतियोगिता है, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं, उसके बाद क्विज की प्रतियोगिता है। ये सारी प्रतियोगिताएं पहले विद्यालय स्तर पर आयोजित होती है, उसके बाद उसमें से जो 20% बच्चों को ये पुरस्कृत करते हैं विद्यालय में, उसके बाद जो फर्स्ट आते हैं, जो टॉप पर आते हैं, उनको लेकर वहाँ सारे स्कूल के बीच उनकी प्रतियोगिता होती है। तो 12 दिसंबर से इनकी प्रतियोगिता शुरू होगी, और युवा दिवस 12 जनवरी को ये पुरस्कार वितरण समारोह करते हैं। काफ़ी लंबा समारोह चलता है, सारे प्रतिभागी बच्चों और उनके अभिभावकों का वहाँ भोजन होता है, प्रसाद होता है, उसके बाद सब लोग लौटते हैं। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।